अहमदाबाद में प्रचार का शोर तेज हो गया है। प्रत्याशियों के लिए पार्टियों के दिग्गजों ने दिन रात एक कर दिया। इन सब के बीच वार पलटवार का दौर भी जारी है, लेकिन इनेलो ने गोविंद कांडा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। अहमदाबाद का रण सज चुका है। चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों के दिग्गज एलनाबाद की धरती पर खूब पसीना बहा रहे हैं। वोटिंग की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, प्रत्याशियों के लिए दिग्गजों ने प्रचार प्रचंड कर दिया है। शनिवार को कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो के स्टार प्रचारकों ने पार्टी प्रत्याशियों के हक में वोट मांगे। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने एलनाबाद के लोगों के बीच में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और हाजिरी लगाई, लेकिन अभय चौटाला अपने पुराने रंग में दिखाई दिए। फसल फसल ठीक है, तो बारिश हो गई, नुकसान हुआ। चलो तो देंगे खुश नाली बात, राज बना ले थोड़ा नुकसान सारो पूरा करा दे। धारा वोट मांगना आया, फैसलो ठेकरे है जिस पर फूल चढ़ाण में मेरे को एक बारी तो धन दे के जाऊं, राज बना लो फिर सारा खोटवा कर दूंगा सारा, कोई किस्म नहीं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है आज अपनी जमानत उनकी कैसे बचे इसके लिए लगे हुए हैं। ये लोगों का फैसला है, ये मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा आपके आगे। ये आपने सभी अपनी आंख से देखा है नज़ारा सारा का सारा, कि जहां लोग खुल के ये कह रहे हैं कि इनकी जमानत नहीं बचेगी, ये तो अपने सर्वाइव की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जमानत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इनेलो की स्टार एलनाबाद में है तो कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने पवन बेनीवाल के लिए लोगों से वोट की अपील की और रूठे भरत सिंह बेनीवाल के लिए अपनापन दिखाया। भरत सिंह जी कहाँ है, नाराज है? मैं क्या नाराज नहीं हो सकते भरत सिंह, कांग्रेस पार्टी के स्थान पर नाराज नहीं हो सकते, निराश हो सकते हैं, नाराज नहीं हो सकते। और देख लो ये साथ आएंगे और आपने देखा भाई, जिसके अंदर कांग्रेस है ना वो कभी ऐसे बैठ नहीं सकता, और ये इनका पूरा आदर मान कांग्रेस पार्टी में रहा है और आगे भी इनका पूरा आदर मान जाएगा कांग्रेस पार्टी में, और सभी लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ें और इस सरकार को आईना दिखाएं और लोकतंत्र को भी दिखाएं कि ये लोगों के साथ यहाँ के एलनाबाद हलके के लोगों का अनादर ना करें, आगे इस तरह की राजनीति ना कर सकें। आप पवन जी को यहाँ से जिला कर भेज। अहमदाबाद उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के प्रत्याशी गोविंद कांडा को लेकर बीजेपी आत्मविश्वास में नजर आ रही है। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि अहमदाबाद की जनता समझदार है, वो सरकार में हिस्सेदारी चाहती है। देखिए, पिछले 10 महीने से जो आंदोलनकारी लोग हैं, जत्थेदार हैं, उन्होंने ये कोशिश ये कर रखी है कि जहाँ भी जाएं विरोध दिखाएं और उसी नीति पे चलते हुए उस चुनाव में भी कर रहे हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि एलनाबाद की जनता भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे करके अपना पूरा सहयोग कर करके सरकार जो बनी बनाई है अगले 3 साल तक उसमें हिस्सा करेंगे और अपना विकास करवाएंगे। लेकिन इससे बड़ी परेशानी इनेलो ने चुनाव आयोग को एक खत लिख कर की। उन्होंने गोविंद कांडा समेत पूरी बीजेपी को ही निशाने पर ले लिया। इनेलो ने खत में लिखा कि गोविंद कांडा प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। अहमदाबाद सीट पर नजर सबकी है, लेकिन इसे हासिल कौन करेगा इसके लिए जंग जारी है। जीत का तो हर कोई दावा कर रहा है, किसके दावे हकीकत में बदलते हैं ये तो वोटिंग के बाद ही साफ होगा, मगर अहमदाबाद इस वक्त पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुका है। नकुल जसूजा, सिरसा, खबरें अभी तक।